जोधपुर उद्योग व्यापार संगठन विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से विद्युत सर चार्ज के विरोध में डिस्काम मुख्यालय के बाहर धरना दिया गया। धरने में जोधपुर के कई औद्योगिक व व्यापारी संघ के सदस्यों ने शिरकत की। समिति संयोजक घनश्याम ओझा ने बताया कि सरकार ने 1 जून से 100 से 20 यूनिट फ्री देने की घोषणा की थी, आपको बता दें, लेकिन महंगाई से राहत नहीं मिली है, उल्टा फ्यूज सरचार्ज का बोझ और डाल दिया है। फ्यूज सरचार्ज को लेकर औद्योगिक उपभोक्ता वाणिज्यिक उपभोक्ता एवं उपभोक्ताओं में रोष है। राज्य सरकार व डिस्कॉम ने क्यों सरचार्ज पर 7 गुना से लेकर 15 गुना तक वृद्धि कर दी है और इसको सबसे बड़ा असर औद्योगिक उपभोक्ता और वाणिज्यिक उद्योगपा पर पड़ रहा है। धरने के बाद मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री के नाम जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देकर विद्युत फ्यूल सरचार्ज, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्कों को निरस्त कर मांग की गई है। धरने में कई उद्योगों की ओर व्यापारियों ने भाग लिया। सर, आज का धरना किस तरीके से लगा, क्या रखा? राजस्थान ने पिछले लंबे समय से उद्योगों से, व्यापारियों से और आम उपभोक्ता से फ्यूल सरचार्ज, विशेष फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्कों के नाम से इसको हमारी प्रतिभाषी वसूल कर रहा है। इस काम में जो भी काम है, महंगा कोयला खरीदना, हल्का कोयला खरीदना, लाइन लॉस को ठीक नहीं करना, समय पर इनका भुगतान नहीं करके उसकी पेनल्टी, अनेकों मीटर जो बल्ब पड़े हैं, उन सबका जितना ही भार है वो उद्योग व्यापार और आम उपभोक्ता के ऊपर आ रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको उनकी कार्यप्रणाली सुधारें, अपने कॉस्ट कम करें और उद्योग, वैसे भी यहाँ राजस्थान में बिजली महंगी है, पड़ोस में हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में बिजली सस्ती है और उसके बाद 7 रुपये 30 पैसे की जगह हमको 10 रुपये 12 रुपये बिजली मिलेगी तो हम लोग प्रति स्पर्धा में टिकने पाएंगे। आज जोधपुर के साथ साथ राजस्थान में लगभग 50 शहरों में जो फार्क 11 से लेकर 1 बजे के बीच में उद्योग और व्यापारिक संगठन धरना दे रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं।